हेलो एवरीवन, इस वीडियो का टॉपिक है प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, जिसको पीआरवी भी बोला जाता है। इसमें हम इसका डेफिनेशन और कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का जो डेफिनेशन होता है, एन ऑटोमेटिक कंट्रोल वाल्व डिजाइंड टू रिड्यूस अ हायर अनरेगुलेटेड इनलेट प्रेशर टू अ कॉन्स्टेंट रिड्यूस्ड डाउन स्ट्रीम आउटलेट प्रेशर रिगार्डलेस ऑफ वेरिएशंस इन डिमांड एंड और अपस्ट्रीम इनलेट प्रेशर। यानी कि प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व जो होता है, अनरेगुलेटेड हायर प्रेशर को कांस्टेंट और रिड्यूस्ड आउटलेट में कन्वर्ट करके आगे सप्लाई करता है। जैसे अगर बैक साइड में अगर हायर प्रेशर है, तो अगर हमारे सिस्टम को कम प्रेशर में रिमांड चाहिए, तो ये सिर्फ प्रेशर को रिड्यूस करके आगे सप्लाई करता है। इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन, तो ये एक सेल्फ ऑपरेटिंग वाल्व होता है, जो कि एक्सेस प्रेशर को रिड्यूस करता है। इसको प्रेशर रिड्यूसिंग रेगुलेटर के नाम से भी जाना जाता है। और ये किसी सिस्टम में हायर प्रेशर को लोअर प्रेशर में कन्वर्ट करता है। और इसको जनरली वाटर, स्टीम या ऑयल गैस इंडस्ट्रीज में जनरली इसका यूज़ किया जाता है। और प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व को इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है कि जो इनकमिंग फ्लूइड का जो प्रेशर होता है, वो एक सेट प्रेशर रहता है। जैसे हम सिस्टम में जितना सेट प्रेशर है, उससे एक्सेस प्रेशर को डाउन करता है। यानी कि जो सेट प्रेशर, जो हमारा अगर सप्लाई अगर हमको 10 केजी चाहिए आगे, तो वो सिस्टम में जितना भी आगे जो हाई प्रेशर 20 केजी या जितना भी है, उसको रिड्यूस करके वो 10 केजी सप्लाई आगे करेगा। तो इस बारे में फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स।